नमस्कार, चैनल वन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। रखतू राह पर दो चारी कदम, मगर जरा तबीयत से कि मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। जी हां, मेहनत और लगन से क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, और इसी को सच साबित कर दिखाया गौतम बुद्ध नगर की उद्योगपतियों ने, और इसीलिए जिले के 20 साल पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। जी हाँ, गौतम बुद्ध नगर ने जिले के रूप में 20 साल पूरे कर लिए, और इस मौके पर जिले को बेहतर बनाने के लिए गौतम बुद्ध नगर प्राइड अवार्ड्स 2017 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उद्योग जगत से जुड़ी हस्तियों ने शहर के भविष्य पर चर्चा की। वहीं कार्यक्रम के दौरान 7 कंपनियों को गौतम बुद्ध नगर प्राइड अवार्ड्स 2017 से भी सम्मानित किया गया। गौतम बुद्ध नगर की स्थापना के 20 साल पूरे होने के मौके पर गौतम बुद्ध नगर प्राइड अवार्ड्स 2017 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उद्योग जगत से जुड़ी हस्तियों ने दिल्ली एनसीआर के सबसे प्रगतिशील शहर के भविष्य पर चर्चा की। कार्यक्रम की शुरुआत नोएडा के विधायक पंकज सिंह और जेवर से विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने दीप जलाकर की। इस दौरान कई गणमान्य लोग भी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन 33 पब्लिक रिलेशंस और ऑब्जर्वर डॉन ने किया। बता दें, 33 पब्लिक रिलेशंस सालों से देश की बड़ी कंपनियों को अपनी बेहतर सेवाएं मुहैया करा रही है। वहीं ऑब्जर्वर डॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेजी से उभरती हुई न्यूज वेबसाइट है। साथ ही ऑब्जर्वर डॉन मैगजीन बिजनेस और रियल स्टेट से जुड़े लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। गौतम बुद्ध नगर प्राइड अवार्ड्स 2017 कार्यक्रम के दौरान अपने अपने क्षेत्र में परचम लहराने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर चैनल वन न्यूज रहा। चैनल वन न्यूज अपनी सही और सटीक खबरों से देश में तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल है, जो खबरों की दुनिया में बेबाक, निष्पक्ष, सटीक खबरों से अपना एक अलग मुकाम बना रहा है। इन्हीं खूबियों के चलते चैनल वन न्यूज को गौतम बुद्ध नगर प्राइड अवार्ड्स 2017 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान चैनल वन न्यूज के युवा सीईओ काशिफ अहमद ने ग्रहण किया। अवार्ड्स मिलने के बाद चैनल वन न्यूज के सीईओ काशिफ अहमद ने पूरी टीम की सराहना की। देखिए, मोटिवेशन के लिए इस तरीके के अवार्ड फंक्शंस और इस तरीके के प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसे कहीं ना कहीं हमारी पूरी टीम के लिए अवार्ड है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, चैनल वन की पूरी टीम के लिए अवार्ड है, और उन सब की मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें सभी लोगों के लिए वो सब बहुत ज़रूरी होता है। मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सब लोग बहुत दिल लगा के मेहनत से काम करते हैं, उसके बाद अगर इस तरीके का अवार्ड या फंक्शन में अगर आपको अप्रिशिएशन मिलता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्प करता है। गौतम बुद्ध नगर प्राइड अवार्ड्स 2017 में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की दुनिया में सालों से पहले स्थान पर रहने वाली बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सम्मानित किया गया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच नोएडा के विधायक पंकज सिंह के हाथों बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आर के गर्ग को सम्मानित किया गया। सम्मान लेने के बाद आर के गर्ग ने इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की। वहीं उन्होंने ऐसे कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी के देश को मजबूत बनाने के सपने को साकार करने में मील का पत्थर बताया। आज आपको प्राइड ऑफ इंडिया बनाया गया है, अवार्ड से नवाजा गया है। 50 साल से, जैसे कि आपने बताया, आप देश की सेवा कर रहे हैं प्योर वाटर एरिया में। आज ये प्राइड वाटर ऑफ इंडिया, आपको प्राइड ऑफ इंडिया बनाया गया है। ये आपको जो काम है इसमें किसका उत्साहवर्धन करेगा ये प्राइड? किसी भी व्यक्ति को जब उसके अच्छे कार्य के लिए कोई पुरस्कार दिया जाता है तो निश्चित तौर से उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, और वो मोटिवेशन उसको उस कार्य को और अच्छी लगन से करने के लिए मोटिवेट करता है।
तो हम तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और हमारी कोशिश ये होगी कि अगर हमें कोई अवार्ड मिला है उसको मेंटेन भी करना है और उससे आगे भी जाना है। और जब इस अवार्ड को अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे कि हमें इस पैनल ने पॉइंट ऑफ इंडिया अवार्ड दिया है, इट इज़ नॉट फॉर मी, इट इज़ फॉर माई टीम मेम्बर्स। जो मेरी टीम मेम्बर्स हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो चाहेंगे कि हम इससे और आगे। गौतम बुद्ध नगर प्राइड अवार्ड्स 2017 में कुल मिलाकर 7 कंपनियों को सम्मानित किया गया, जिसमें चैनल वन न्यूज, बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ओकाया सेंटर एंड ओकाया ग्रुप, सॉलिटेरियन सिटी, एक्यूरेंट इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और इरोज ग्रुप शामिल रही। इरोज ग्रुप की ओर से अवार्ड हेड ऑफ सेल्स गोविंद जनौती ने ग्रहण किया। हम इस अवार्ड के कारण अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जैसे स्कूल में किसी बच्चे को टॉप आ जाए और गोल्ड मेडल मिले, या 12वीं की बोर्ड की कक्षा में पास आ जाए, मेहनत करी होती है तो रिकग्नाइज होती है। तो वी आर रियली रियली प्राउड एंड वेरी वेरी हैप्पी, और हमें बहुत इस बात की खुशी है जिस तरीके से ये अवार्ड हमारी मेहनत को, ओकाया सेंटर को मिल रहा है। ये गोल्ड रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है, बहुत ही एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बिल्डिंग है, और ए क्लास कंस्ट्रक्शन है। तो जो यहाँ पर सारी बिल्डिंगों में इसे पहचाना गया और रिकग्नाइज़ किया गया, और जो आप अवार्ड दे रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे हमें और ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिल रहा है, और ज़्यादा नए प्रोजेक्ट्स को इससे भी बेहतर करने की हमें दूरदर्शिता दिखाई दे रही है। अवार्ड मिल रहा है, जाहिर सी बात है खुशी हो रही है, बहुत सम्मान की बात है कि ग्रेटर नोएडा के बाकी बहुत बड़े बड़े नामों में हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम है। खुश है हम आपका अपनी सफलता अब तक की देख के, हमें भी 10 साल हो चुके हैं, इवेंट को भी आज 20 साल होने जा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी सफलता का एक लेवल दिखता है, एक नया स्टोन है, एक नया बेंचमार्क सेट करने जा रहे हैं, तो अच्छा है, खुशी लगती है। इससे पहले नोएडा 20 साल पूरे कर, लगातार 20 साल डेवलपमेंट के 20 साल पूरे करते जा रहा है और अवार्ड रखे गए हैं, तो इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? आपको अवार्ड मिला है, अच्छी बात है, आपके सीट को अवार्ड मिला है, लेकिन अगर इवेंट की बात की जाए उस बारे में क्या कहेंगे? इवेंट बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, जितना भी काम ग्रेटर नोएडा नोएडा को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू हम सब देख पा रहे हैं कि कितने लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, अलग अलग फील्ड से है, कोई हॉस्पिटैलिटी से है, कोई FMCG प्रोडक्ट है, कोई एजुकेशन है, तो एक बहुत अच्छा स्तर है जहाँ सब मिल रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं मैंने इसमें देखा है, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, उनके काम को सराहा जा रहा है, एक अच्छा मोटिवेशन है, सब लोग आगे बढ़ेंगे एंड आई एम श्योर अभी 20 साल हैं, 25 साल 50 साल तरक्की करेंगे। मैम खासकर अगर बात की जाए मोदी जी के सपनों की, भारत की, चाहे वो मेक इन इंडिया की हो या स्टार्टअप इंडिया की हो, तो इस तरह के जो अवार्ड सेरेमनी होते हैं तो जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए किस तरह माइलस्टोन साबित होते हैं? ये बिल्कुल एक माइलस्टोन है, क्योंकि हम लोग अपने इंस्टीट्यूट्स में भी छोटे स्तर पे जैसे बच्चों को सम्मानित करते हैं, फैकल्टीज़ को प्राइज़ देते हैं या अवार्ड्स देते हैं, वो भी एक लेवल होता है जहाँ पे उनका मोटिवेशन हाई होता है, तो एक स्टेट लेवल पर जहाँ पर जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो ऐसे लोगों के द्वारा सम्मानित हो रहे हैं, ऐसे लोग फेलिसिटेट कर रहे हैं उसको, तो नेचुरली उसके थ्रू हम सबको एक बहुत मोटिवेशन मिलती है एंड आई थिंक दैट्स समथिंग एवरीबडी लुक्स फॉर। हम अगर अपने आप में एंटरप्रेन्योर्स हैं, बट हमें भी चाहिए दैट समबडी एक्चुअली मोटिवेट्स अस, गिव्स अस दैट काइंड ऑफ अ मोटिवेशन टू प्रोसीड फर्दर। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सर ये तो अवार्ड कितना बूस्ट का काम कर रहा है, ये एक मोटिवेशन मिलती है स्टाफ को, एक मोटिवेशन मिलती है हमको कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम को हमें कहीं ना कहीं रिकग्निशन मिल रहा है इतनी भीड़ के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ मोटिवेशन फैक्टर है ये। गौतम बुद्ध नगर प्राइड अवार्ड्स 2017 में गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभा के विधायकों ने हिस्सा लिया। नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने जहां कार्यक्रम की सराहना की, वहीं उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के विकास में अपना पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। गौतम बुद्ध नगर ये पूरा जिला की स्थापना हुई थी 20 साल पहले और काफ़ी प्रगति भी गौतम बुद्ध नगर ने किया है, और हम सब लोगों की यही कोशिश होगी कि इस गौतम बुद्ध नगर के लोगों की जो भी अपेक्षा इस सरकार से है, हम सब जनप्रतिनिधियों से है, हम उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए इस पूरे जिले को और आगे ले जाने का काम करें, यह कोशिश हम सब लोगों की। पंकज सिंह जी, आप 5 साल के लिए विधायक बने हैं, तो आने वाले 5 साल में गौतम बुद्ध नगर को किस मोड़ में, किस दिशा पे, कहाँ आपका इमेजिनेशन टिकता है ले जाने? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत संक्षेप में मैंने इस बात को कहा है कि जो भी हमारे लोगों की अपेक्षाएं हैं,
नोएडा के, गौतम बुद्ध नगर जिले के लोगों की अपेक्षाएं हैं। ये हम सब लोगों का दायित्व तो बनता है कि इसको उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें और उनके सपनों का नोएडा हम सब लोग बनाने का काम करें, और वही कोशिश हम सब लोग। कार्यक्रम में मशहूर ज्योतिषाचार्य राजेश गर्ग और जानी मानी वास्तु सलाहकार रजनी राठी ने भी हिस्सा लिया। ज्योतिषाचार्य राजेश गर्ग ने गौतम बुद्ध नगर के नाम को लेकर कई रोचक जानकारियां दी। सबसे पहले तो प्रभु की कृपा देखिए कि इस जगह का नाम गौतम बुद्ध नगर रखा गया, और अगर हम मानवता का पूरा इतिहास देखें तो जितने भी बड़े से बड़े संत धरती पे हुए हैं, चाहे वो भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, गुरु नानक जी हुए, संत कबीर हुए, मीरा हुई, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे भी बड़े से बड़े संतों को देखें तो 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने और उनके समय में जितने आदमी बुद्धत्व को प्राप्त हुए वो किसी और धर्म में नहीं हुए। तो ये सब लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे अच्छे नाम के साथ हम यहाँ हैं। फिर उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं जिसको देख के आदमी के अंदर एक शांति की भावना आती है और एक पॉजिटिवनेस आती है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ड्रीम्स जर्नी फॉर सेलिब्रेशन, इसके अंदर हमारा 10-15% पार्ट एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी है। मेन पार्ट ये है कि अगर मैं सपोज आपसे ही पूछता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो, बताएं आप क्या चाहते हो। हर आदमी का एक होता है कि वन डे आई वांट टू बी दिस, आप क्या बनना चाहते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये प्रोजेक्ट हमारा है कि हर इंसान चाहता है कि उसकी एक नियमित आय हो जो रेगुलर बढ़ती रहे उसकी काबिलियत के हिसाब से, वो आर्थिक उन्नति चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसके परिवार में सुख शांति और समृद्धि हो, वो पारिवारिक उन्नति चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी समाज में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में एक अच्छी पहचान हो, वो सामाजिक उन्नति चाहता है। और इन सब के ऊपर हर इंसान चाहता है कि उसके अंतःकरण में आनंद, उत्सव और शांति हो, वो आत्मिक उन्नति चाहता है। सुबह सो के उठने से रात को सोने तक साल के 365 दिन पूरी ज़िंदगी इंसान इसके अलावा और क्या सोचा। लेकिन हम में से कितने लोग, लाखों में कोई 5-10 लोग सोच पाते हैं कि भाई हमें इस रेट रेस में नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा की रेट रेस के अलावा भी कुछ करना है। तो ये जो प्रोजेक्ट है जर्नी फॉर सेलिब्रेशन, इसके अंदर हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप सर्विस कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप मिडिल एज में हो, आप ओल्ड एज में हो, कुछ सीधी सीधी बातें हैं जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिमाग में रखना है और अपने जीवन में परिवर्तन आप खुद देख सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर प्राइड अवार्ड्स 2017 में जहां आने वाले भविष्य पर चर्चा की गई, वहीं कार्यक्रम का मकसद उभरती कंपनियों को सम्मानित कर आने वाले उद्यमियों को प्रेरित करना था, ताकि गौतम बुद्ध नगर का NCR में सबसे प्रगतिशाली शहर का तमगा बरकरार रहे। नोएडा से रमाकांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। गौतम बुद्ध नगर प्राइड अवार्ड्स 2017 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और इसमें शिरकत करने वाले लोगों ने कार्यक्रम को लेकर क्या कह राय रखी, आइए देखते हैं। आज गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा 20वां साल मनाने जा रहा है, और इस मौके पर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया है जिसमें एक्यूरेट इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी की ग्रुप डायरेक्टर पूनम शर्मा को भी अवार्ड मिला है। पूनम जी, अवार्ड मिल रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है और खासकर आपके इंस्टीट्यूट को ये अवार्ड? अवार्ड मिल रहा है, जाहिर सी बात है खुशी ही हो रही है, बहुत सम्मान की बात है कि ग्रेटर नोएडा के बाकी बहुत बड़े बड़े नामों में हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम है। खुश है हम आपका, अपनी सफलता अब तक की देख के हमें भी 10 साल हो चुके हैं, इवेंट को भी आज 20 साल होने जा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी सफलता का एक लेवल दिखता है, एक नया स्टोन है, एक नया बेंचमार्क सेट करने जा रहे हैं, तो अच्छा है, खुशी लगती है। इससे पहले नोएडा 20 साल पूरे कर, लगातार 20 साल डेवलपमेंट के 20 साल पूरे करते जा रहा है और अवार्ड रखे गए हैं, तो इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? आपको अवार्ड मिला है, अच्छी बात है, आपके सीट को अवार्ड मिला है, लेकिन अगर इवेंट की बात की जाए उस बारे में क्या कहेंगे? इवेंट बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, जितना भी काम ग्रेटर नोएडा, नोएडा को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू हम सब देख पा रहे हैं कि कितने लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, अलग अलग फील्ड से है, कोई हॉस्पिटैलिटी से है, कोई FMCG प्रोडक्ट है, कोई एजुकेशन है, तो एक बहुत अच्छा स्तर है जहाँ सब मिल रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं मैंने इसमें देखा है, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, उनके काम को सराहा जा रहा है, एक अच्छा मोटिवेशन है, सब लोग आगे बढ़ेंगे एंड आई एम श्योर अभी 20 साल हैं, 25 साल, 50 साल तरक्की करेंगे। मैम, खासकर अगर बात की जाए मोदी जी के सपनों की, भारत की, चाहे वो मेक इन इंडिया की हो या स्टार्टअप इंडिया की हो, तो इस तरह के जो अवार्ड सेरेमनी होते हैं तो जो इंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए किस तरह माइलस्टोन साबित होते हैं?
ये बिल्कुल एक माइलस्टोन है क्योंकि हम लोग अपने इंस्टीट्यूट्स में भी छोटे स्तर पे जैसे बच्चों को सम्मानित करते हैं, फैकल्टीज़ को प्राइज़ देते हैं या अवार्ड्स देते हैं, वो भी एक लेवल होता है जहाँ पे उनका मोटिवेशन हाई होता है। तो एक स्टेट लेवल पर जहाँ पर जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे लोगों के द्वारा सम्मानित हो रहे हैं, ऐसे लोग फेलिसिटेट कर रहे हैं उसको, तो नेचुरली उसके थ्रू हम सबको एक बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड आई थिंक दैट्स समथिंग एवरीबडी लुक्स फॉर। हम अगर अपने आप में एंटरप्रेन्योर्स हैं बट हमें भी चाहिए दैट समबडी एक्चुअली मोटिवेट्स अस, गिव्स अस दैट काइंड ऑफ अ मोटिवेशन टू प्रोसीड फर्दर। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। किसी भी व्यक्ति को जब उसके अच्छे कार्य के लिए कोई पुरस्कार दिया जाता है तो निश्चित तौर से उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है और वो मोटिवेशन उसको उस कार्य को और अच्छी लगन से करने के लिए मोटिवेट करता है। तो हम तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं और हमारी कोशिश ये होगी कि अगर हमें कोई अवार्ड मिला है उसको मेंटेन भी करना है और उससे आगे भी जाना है, और जब इस अवार्ड को अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे कि हमें इस पैनल ने पॉइंट ऑफ इंडिया अवार्ड दिया है, इट इज़ नॉट फॉर मी, इट इज़ फॉर माय टीम मेंबर्स। जो मेरी टीम मेंबर्स हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो चाहेंगे कि हम इससे और आगे जाएँ। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भारत को आगे ले जाने के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं, तो ऐसे में इस जो सेरेमनी हुई है, जो इवेंट हुआ है, यह किस कदर प्रोत्साहित करेगा खासकर जो एंटरप्रेन्योर हैं, आप जैसे एंटरप्रेन्योर? देखिए, जो भी सेरेमनी होती हैं ये सब एंटरप्रेन्योर्स के रिकॉग्निशन के लिए होती हैं। एचआर में एक बात होती है कि अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट करना है तो पुराने ज़माने में भी किसी बच्चे की पीठ पर ठपठपाओ, उसके कंधे पे हाथ रख दो, तो ये जो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है ये उसके दिल को बहुत बड़ी खुशी देता है। आप लोग जानते होंगे कि हमारे सीमाओं पर जो हमारे जवान काम करते हैं, कितने ही जवान केवल एक मेडल के लिए कि मुझे एक अशोक चक्र, वीर चक्र मिले, अपने जान की बाजी लगा देते हैं। वो क्या है, वो एक खुशी होती है, यस, कि मुझे वो सम्मान मिल रहा है, मैं उस सम्मान के लिए जी रहा हूँ, मैं उस सम्मान के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, नौछावर कर रहा हूँ। ऐसा ही हम लोग फील करते हैं, अगर हमें कोई सम्मान मिल रहा है तो हमें अपने कार्य को और भी अच्छे से, लगन से करना है। हम इस अवार्ड के कारण अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जैसे स्कूल में किसी बच्चे को टॉप आ जाए और गोल्ड मेडल मिले, या 12वीं की बोर्ड की कक्षा में पास आ जाए, मेहनत करी होती है तो रिकग्नाइज होती है। तो वी आर रियली रियली प्राउड एंड वेरी वेरी हैप्पी, और हमें बहुत इस बात की खुशी है जिस तरीके से ये अवार्ड हमारी मेहनत को, ओकाया सेंटर को मिल रहा है। ये गोल्ड रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है, बहुत ही एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बिल्डिंग है, और ए क्लास कंस्ट्रक्शन है। तो जो यहाँ पर सारी बिल्डिंगों में इसे पहचाना गया और रिकग्नाइज किया गया, और जो आप अवार्ड दे रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे हमें और ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिल रहा है, और ज़्यादा नए प्रोजेक्ट्स को इससे भी बेहतर करने की हमें दूरदर्शिता दिखाई दे रही है। जिस तरह के अवार्ड सेरेमनीज जो होते हैं, जो मोदी जी अपने एक मजबूत भारत, आर्थिक मजबूत भारत का जो सपना देख रहे हैं स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया के जरिए, तो ये कितना कारगर साबित होंगे कि इस तरक्की में, देश की तरक्की में, तरह के सेरेमनी? जनाब, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से छोटी छोटी बातचीत पे हमें किसी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, कुछ भी हम बच्चे या बड़े कुछ करते हैं तो हमें पीठ पे पैटिंग की आवश्यकता होती है, तो इस तरीके के जो रिकग्निशन और रिवार्ड्स के सेलिब्रेशंस और फंक्शंस हैं, ये मोदी जी की दूरदर्शिता के दिशा में ही पॉजिटिव कदम है। और डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में जितने जितने भी इस तरीके के रिकग्निशन किए जाएंगे, इससे एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से टैलेंट निकल के आता है बाहर, या स्टेज शो में या डांस शो में निकल के आता है, तो जो एंटरप्रेन्योर टैलेंट है इन रिकग्निशन और रिवार्ड सेरेमनी से निकल के आएगा। एंड यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब बाय क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ सेलिब्रेशन एंड अप्रिशिएटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस बिजनेस सेक्शंस इन इंडिया। सर, सर ये तो अवार्ड कितना बूस्ट का काम कर रहा है, ये एक मोटिवेशन मिलती है स्टाफ को, एक मोटिवेशन मिलती है हमको कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम का हमें कहीं ना कहीं रिकग्निशन मिल रहा है इतनी भीड़ के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ मोटिवेशन फैक्टर है ये। जी अच्छा, बताइए, जो मोदी जी सपना देख रहे हैं खासकर सुदृढ़ आर्थिक मजबूत से मजबूत भारत का, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, तो इस तरह की जो अवार्ड सेरेमनी है किस तरह से मोटिवेट करती हैं देश को आगे ले जाने के लिए, आप जैसे रियल एस्टेट?
देखिए जो मोदी जी का सपना है इस देश को आगे लेके जाने का, ऐसे ही क्या नाम है, धीरे धीरे आगे प्रगति होती है। जब लोग खुश होते हैं, लोग काम करने जाते हैं, तो इससे आगे प्रगति होती रहती है। ये काफ़ी उत्साहित करेगा, इससे ऐसा लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और लोग आपको जब सम्मान करते हैं तो आपको ये लगता है कि हाँ आपने समाज के लिए कुछ किया है, इसलिए आपको सम्मान मिल रहा है। अच्छा, मोदी जी के जो सपनों का भारत है उसके लिए इस तरह के इवेंट किस तरह मजबूत बनाने में कारगर साबित हो? देखो, किसी को सम्मान करना और उसके अच्छे काम को सराहना एक सबसे अच्छा काम है। इससे आदमी को ये लगता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मोदी जी का रास्ता जो है वो उसमें ये काफ़ी सफल करेगा कि लोगों को अप्रिशिएट मिले कि हाँ वो अच्छा काम करें और लोग और ज़्यादा काम कर पाए। देखिए, मोटिवेशन के लिए इस तरीके के अवार्ड फंक्शंस और इस तरीके के प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसे कहीं ना कहीं हमारी पूरी टीम के लिए अवार्ड है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, चैनल वन की पूरी टीम के लिए अवार्ड है और उन सब की मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह की जो सेरेमनी होती हैं, जैसे मोदी जी सपना देख रहे हैं सुदृढ़ भारत का, आर्थिक विकास के, तो उनके मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की तरफ इस तरह की सेरेमनी किस तरह मोरल बूस्टअप करती है? देखिए, इसमें सभी लोगों के लिए बूस्टअप बहुत ज़रूरी होता है। मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि सब लोग बहुत दिल लगा के मेहनत से काम करते हैं, उसके बाद अगर इस तरीके का अवार्ड या फंक्शन से में अगर आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं ये देश पूरे कंट्री को गेयर अप करने का काम कर। डेफिनेटली सर, एक GST की चर्चा काफ़ी चल रही है, तो किस तरह आप इसको किस तरह से देखते हैं क्योंकि अगले समय में लागू होने वाला है? देखिए, एक अच्छा डिसीजन है, एक अच्छा डिसीजन है एंड देश में डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा वर्क कर रही है, सो डेफिनेटली वी ऑल आर अप्रिशिएटिंग इट। इस अवार्ड का पर्पस है कि जो 20 साल नोएडा यहाँ तक पहुँचा है इंटरनेशनल लेवल पर, लोग आज सभी जानते हैं, और उस को बनाने में जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया है या जिनकी वजह से गौतम बुद्ध नगर इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाता है, हम उन सभी लोगों को सम्मानित कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। बुद्ध नगर पूरा जिला की स्थापना हुई थी 20 साल पहले और काफ़ी प्रगति भी गौतम बुद्ध नगर ने किया है और हम सब लोगों की यही कोशिश होगी कि इस गौतम बुद्ध नगर के लोगों की जो भी अपेक्षा इस सरकार से है, हम सब जनप्रतिनिधियों से है, हम उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए इस पूरे ज़िले को और आगे ले जाने का काम करें, यह कोशिश हम सब लोगों। पंकज सिंह जी, आप 5 साल के लिए विधायक बने हैं, तो आने वाले 5 साल में गौतम बुद्ध नगर को किस मोड़, किस दिशा पर, कहाँ आपका इमेजिनेशन टिकता है? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत संक्षेप में मैंने इस बात को कहा है कि जो भी हमारे लोगों की अपेक्षाएं हैं, नोएडा के, गौतम बुद्ध नगर जिले के लोगों की अपेक्षाएं हैं, ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि इसको उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें और उनके सपनों का नोएडा हम सब लोग बनाने का काम करें। तो इसी के साथ हमारी से खास पेशकश में इतना ही, लेकिन ताज़ा इन खबर में जाने के लिए आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज़ और आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं www.channel1.in पर।